हम लोग आराम से देख रहे हैं क्लास 9 का साइंस हम लोग देख रहे हैं, और मेनली क्लास 9 के साइंस में टिशू का एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं। टिशू जो है प्लांट और एनिमल टिशू दोनों पढ़ना है क्लास 9 के लिए। एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना किसी भी एग्जामिनेशन ना में, चाहे वो प्लस टू हो, 9 हो, 10 हो, मेडिकल की एग्जामिनेशन हो, किसी भी तरह की एग्जामिनेशन में आजकल ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं। अब तो 9-10 के भी एग्जामिनेशन में CBSE ने नए पैटर्न में ऑब्जेक्टिव किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, द डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसका हम लोग आंसर देंगे। इसका आंसर हम लोग ए देंगे, क्यूटिकल। डेजर्ट प्लांट में ज़्यादा रोशनी आती है और रोशनी से पानी के पत्ते सूख नहीं जाए, तो वहाँ पे क्यूटिकल होती है और इसके कारण में पानी का लॉस कम होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल। टिश्यू के बारे में बता रहा है ये कि सिमिलर काइंड ऑफ सेल हैं ये। टिश्यू क्या है? ये सिमिलर काइंड ऑफ सेल है, स्पेशलाइज टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। देयर फॉर प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन ए पार्टिकुलर इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर, कि इसका आंसर बी होगा, डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तीसरा है, ए पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड वेर डिसलोकेटेड, विच अमोंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो हाथ की दो हड्डी जो है वो डिसलोकेट हो गई है, तो दोनों हड्डी जो है लिगामेंट से जुड़ी रहती है, तो इसमें जो है तीसरा एक कारण हो सकता है, लिगामेंट ब्रेक जो है ये इसका एक कारण हो सकता है। तो इसमें हम लोग टिक मारेंगे, लिगामेंट ब्रेक। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि नोड ऑफ रेनवियर, चौथा क्वेश्चन है ये कि नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है नर्व सेल में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पांचवा, पांचवा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन है, लिगामेंट है, ब्लड है, तो यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द एबव है, लिगामेंट, टेंडन, ब्लड सब जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। पांचवा के बाद जो है छठा हम लोग देख रहे हैं, फैट आर स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एस, फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एस कहाँ पे होता है? तो एडिपोज टिश्यू पे फैट डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो नो, ये किडनी में नहीं पाया जाता है, कार्टिलेज नोज में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है, लैरिंग्स में भी पाया जाता है, लेकिन किडनी में नहीं पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन अ किडनी, नॉट फाउंड इन किडनी। आठवां क्वेश्चन ये आया है, आठवां क्वेश्चन है, कार्टिलेज एंड बॉन्ड आर टाइप ऑफ, तो ये होगा कनेक्टिव टिश्यू। नौवा क्वेश्चन है, द टिश्यू दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर,
कौन सा टिश्यू है जो हमें बॉडी में मूवमेंट करने देता है? तो ये मस्कुलर टिश्यू है जो मूवमेंट करने देता है। नौवा के बाद जो है दसवा क्वेश्चन क्या है? दसवा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि लाइसोसोम फंक्शन एस ए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल बिकॉज में यहाँ पे बी होगा, इट्स एंजाइम डाइजेस्ट द सेल इट्सेल्फ। ये ज़्यादा जो है यहाँ पे सूटेबल लग रहा है, और भी चीज़ें हैं इसमें लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। नेक्स्ट है, बोन इज इम्पॉर्टेंट टू द बॉडी सिंस इट। तो 11 का यहाँ होगा, आगे हम लोग देखते हैं, 11 का आगे हम लोग देखते हैं, बोन इज इम्पॉर्टेंट टू द आवर बॉडी सिंस इट। इट जो है यहाँ पे आगे देखते हैं, बोन इज इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी सिंस इट। डी यहाँ पे ऑप्शन है, गिव ए वेल डिफाइंड शेप टू द बॉडी। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यही है, बोन इज इम्पॉर्टेंट टू द बॉडी सिंस इट गिव वेल डिफाइंड शेप टू द बॉडी। फिर सेम क्वेश्चन ये आ रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है, 12 नंबर, इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी में विच टिश्यू हेल्प इन मेकिंग क्विक डिसीजन आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन। तो इसका आंसर बी होगा, नर्वस टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू है इसका एग्जाम्पल, आंसर बी का जो है नर्वस टिश्यू है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है यहाँ पे, द सबस्टाम्स फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ कॉर्क और बार्क दैट मेक इट इम्पर्वियस टू वाटर इज, इसमें जो है सुवरीन होना चाहिए। 13 का जो है ये सी है, सुवरीन। अब 14 नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 14 नंबर, लाइफ स्पेन ऑफ RBC इज, इसमें हम लोग C 20 करेंगे। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बी करेंगे लिग्निन, लिग्निन के कारण ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, ये कह रहा है यहाँ पे, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिक्स, एपिडर्मिक्स का फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन ना फ्रॉम एडवर्ड कंडीशन ये है, गैसियस एक्सचेंज जो है ये नहीं लग रहा है, ये भी है, कंडक्शन ऑफ वाटर ये नहीं है, ये कंडक्शन ऑफ वाटर जो है ये नहीं है, कंडक्शन ऑफ वाटर जो है ये इसका फंक्शन नहीं है, ट्रांसपिरेशन भी ये करता है। तो फंक्शन क्या नहीं है एपिडर्मिक्स का? कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं है, ट्रांसपिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्ड कंडीशन भी होता है। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है ये, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द एंड ऑफ लॉन्ग बोन इज कनेक्टेड टू अनदर बोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम लोग आँख मूंद के लिगामेंट के ऊपर टिक लगा देंगे, लिगामेंट जो है यही इसका सही आंसर होगा, बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है। 17 के बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन है
बी एक्ट एज अ सोल्जर स्कैवेंजर्स एंड बिल्डर्स ऑफ द बॉडी, ये इसमें मोस्ट सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एंड मिनरल आर कंडक्टेड बाई, तो इसमें 19 में ए करेंगे जाइलम। वाटर एंड मिनरल जो है जाइलम के द्वारा जाता है। फिर जो है ये जाइलम द्वारा लिखा हुआ है, ये वाटर एंड मिनरल आर कंडक्टेड बाई जाइलम। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन, यहाँ जो है ऑल ऑफ द एवव, ऑल ऑफ द एवव की ज्यादा चांसेस ये लग रही है, ऑल ऑफ द एवव की ज्यादा चांसेस यहाँ पे लग रही हैं, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन एंड मसल्स में भी पाया जाता है, ये जो है ब्लड वेसल्स एंड नर्व में भी पास भी पाया जाता है, बोन मैरो में भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एवव, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन, ये है इसका। तो 20 क्वेश्चन ये करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग।